चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से तैयारियां की गई है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा चौक चौबंद है। 2500 दिल्ली पुलिसकर्मी, 1100 के करीब ट्रैफिक पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडो, स्नाइपर समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, जो दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर्तव्य पथ पर की गई हैं। हम इस समय सर्कल पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यही वो जगह है जहां पर वीवीआईपी और तमाम जो इसमें जो गेट्स हैं इनवाइट जिनको किया गया है वो सभी यहीं पर आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, अगर हम दिखाएँ आपको कर्तव्य पथ पर किस तरीके से आप तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं। और इसी को लेकर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो दिल्ली के अंदर की गई हैं और कर्तव्य पथ पर हैं हम इस समय। और आप सामने देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन भी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को शपथ लेने जा रहे हैं। और तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो यहीं पर आएंगे और उनके साथ साथ कई जो लोग जिनको इन्वाइट किया गया है वो भी इसी जगह पर आने वाले हैं। अगर तैयारियों की बात कर ले तो पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं अगर शपथ ग्रहण में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस से तमाम जो जगहों से वो आ रहे हैं। वहीं अगर कार्यक्रम के स्थल के आसपास की बात करें तो यहाँ पे एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस समेत तमाम जो सुरक्षाकर्मी होंगे वो तैनात रहेंगे। और वहीं क्योंकि नो फ्लाई जोन पहले से ही घोषित किया गया है तो नो फ्लाई जोन को देखते हुए किसी भी तरीके से ड्रोन जो है यहाँ पर वो अनावश्यक रूप से कोई नहीं उड़ा सकता, गुब्बारे जो हैं वो नहीं कोई उड़ा सकता है। और तमाम क्योंकि एनएसजी कमांडो है, स्नाइपर्स हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं। वहीं आसपास की बात करें क्योंकि अगर संसद जो मार्ग है उसके आसपास की बात करें तो वहाँ पर जो है 1100 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जब ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होगी 2 बजे से तो 2 बजे के बाद से रात के 11 बजे तक अनावश्यक रूप से कोई भी यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि रास्ते बंद रहेंगे। वहीं पैदल जो है वो यात्री यहां पर जरूर आ सकते हैं लेकिन गाड़ी लेकर कोई नहीं आ सकता। वहीं दूसरी ओर बात करें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो दिल्ली पुलिस की ओर से की गई हैं। 2500 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहेंगे सुरक्षा में और कई लेयर्स की जो है वो सुरक्षा उस समय मौजूद रहेगी। कैमरा मनोज कोहली के साथ मैं अजीत, टोटल टीवी दिल्ली।